बाबुल के घर में एक और हवा की बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है गुजरात के इलाका मंगोवाल के गांव गाखड़ा कला में, जहां पर एक जमा साला लड़की नौशीन इंतसाल को उसके भाई ने फायरिंग करके अपने ही घर में कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गया। इतला मिलते ही मंगोवाल पुलिस मौका पर पहुंची और मकतूला इंतसाल नौशीन की नाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खास अस्पताल पहुंचाई। थाना मंगोवाल पुलिस ने मकतूला के वालिद अंसर महमूद की मदईयत में उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसका नाम तैमूर हुसैन बताया गया है। मदई मुकदमा के मुताबिक मेरे बेटे और मेरी बेटी के दरमियान दो रोज कबल किसी बात पर तून तकरार हुई थी, जिसके बाद उसने उसे एक कमरा में ले जाकर 30 बोर पिस्टल से फायर करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुल्जम की तलाश शुरू कर दी है। मकतूला की नाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। इससे पहले जिला गुजरात में गैरत के नाम पर और खानदानी तौर पर खवातीन के कत्ल के वाकयात जो हैं अफसोसनाक हद तक बढ़ चुके हैं। ताहम पुलिस इस सिलसिले में इस बात को भी यकीनी बनाती है कि अंधे कत्ल हों या खवातीन के कत्ल या इज्तमाई कत्ल की वारदातें, मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए DPO गुजरात अता रहमान की क्यादत में पुलिस हमेशा मुल्जमान को 24 से 48 या एक हफ्ता के अंदर गिरफ्तार करने की पॉलिसी को भी यकीनी बना रही है। आवाज न्यूज से मैं हूं आकाश न्यास। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।